हे यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अकबर 07। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ला प्रो एक्सी प्रो सेफ एंड फास्ट एप्लीकेशन के बारे में। अब दोस्तों, इस एप्लीकेशन को कैसे करना है यूज, इसका सही तरीका क्या है, कैसे एप्लीकेशन से फायदा हो सकता है या फिर हो सकता है आपको नुकसान, ये सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को आखिर तक के देखना अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। रेटिंग पॉइंट की बात करूँ तो 4.0 है और 500,000 से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने इस एप्लीकेशन को किसी एडवर्टाइजिंग को देखकर डाउनलोड किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आपने इस एप्लीकेशन को क्यों डाउनलोड किया है और आप इससे क्या क्या करना चाहते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी देर आपको इंतजार करना है ताकि एप्लीकेशन अच्छे से यहाँ पर ओपन भी हो जाए। जैसे मैं एप्लीकेशन को ओपन करता दोस्तों, तो यहाँ पर बेसिकली नोटिफिकेशन आ जाता है यहाँ पर रेडी टू कनेक्ट। अब सिंपली बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि डायरेक्टली ये वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक नहीं करना होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टैप टू कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये कहाँ कनेक्ट होगा आपको भी नहीं पता और यहाँ पे इंटरनेट को भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले ऊपर की साइड में लिखा हो ऑटो चूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑटो चूज वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो अलग अलग कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर नीदरलैंड्स, न्यूयॉर्क, सैन जोस, सेटल, अटलांटिका, शिकागो और सेंट लॉस, आपको किसी एक को चूज करना है। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे हमने यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक किया, कनेक्शन रिक्वेस्ट आ गई। आपको अच्छे से पढ़ लेना है और फिर कर देना है ओके। ओके करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लिखा हुआ आया था, अब यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो थोड़ी देर में कनेक्ट भी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने के बाद हम इसको अच्छे से भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन से ज़्यादातर हम गेमिंग वगैरह खेल सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं और आसानी से हम किसी भी इंटरनेट को चला सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे कनेक्ट होता है तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, इस एप्लीकेशन को मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपने किस लिए डाउनलोड किया, प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देते हो तो मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कैसे इसको यूज करना है, इसका सही तरीका क्या है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।